is more than having a fever. तो गाइस ये देखो हमारा है पपीते का जूस, इसमें हमने सेव करके रखा हुआ है, इसको मैं डेली पीता हूँ कम से कम आधा गिलास। तो यार ये देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे खाने में, क्योंकि इसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। मुझे क्या, बहुत सारे लोगों की जान है ये समय कीवी। देखो ऐसा लगता है काफ़ी जूसी है, कीवी की बोलते होंगे ये, छोटे छोटे शायद होंगे इसलिए। ये देखो अपनी बाइक कल मॉडिफाई कर थोड़े से इसमें स्टिकरिंग कराई थी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। लिवरेज लोगों ने बोला भी अच्छा लग रहा है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। एवरी चॉइस यू मेक हैज एन एंड रिजल्ट, और सही बात भी है, व्हाट एवर द चॉइस यू मेक यू आर द सेम पर्सन टुडे। तो गाइस अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया हुआ है कि कहीं जाना है, व्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही है ना, देखो मतलब एक कंसिस्टेंसी होना इंपॉर्टेंट था। यूट्यूब को भी इसी तरीके से हमें लेके चलना है, एल्गोरिथम होती है उनकी, और कोशिश कर रहा हूँ कि भी है प्लान जाने का, लेकिन वही मैं देख रहा हूँ बॉडी सही रहेगी तभी मैं निकलूंगा घर से बाहर, लेकिन चैलेंजिंग है, लेकिन लेट्स सी क्या कर होता है। तो गाइस ये देखो यार बहुत ही कॉमन है, मतलब काफ़ी लेडीज़ को अच्छे से पता होगा, ये फेस पैक होता है जो हम लोग बनाते हैं घर पे, स्पेशली ठंडियों में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मतलब मेरे घर में तो ये लगाया जाता है, फेस वॉश हम लोग नहीं लगाते हैं, ये नेचुरल चीज़ों से बना रहता है। इसमें ये रहता है कि मतलब पहली बात तो आपके चेहरे में मॉइस्चर अच्छे से रहता है और हाइड्रेटेड रहता है आपका फेस, है ना, ये ठंडियों में बहुत काम आता है। एंड मोस्ट इसमें क्या क्या रहता है, मतलब वही आप समझ लो, देखो दही का जगह है ना, तो इसमें दही पड़ी हुई है, नहीं तो कच्चा दूध डाल सकते हो, कच्चा दूध पका करके नहीं, कच्चा दूध ये हो गया, और बेसन हो गया, और चावल का पाउडर हो गया, और इसमें आपने नींबू डाल दिया, सारा को ना करके पेस्ट बनाइए मुँह पर लगाइए। और अगर आप बाहर रहते हो कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो, उसमें अपने चेहरे का तलाक कैसे ध्यान रख सकते हो, जैसे मैं कैसे यूज़ करता हूँ, जैसे ये देखो काफ़ी मैंने रिसर्च करके अमेजोन से मैंने इसको निकाला था, एंड ये इसका पूरा इंग्रेडिएंट आप देखोगे, मैंने इसको पढ़ा था, और इसके इंग्रेडिएंट पढ़ने के बाद मतलब नेचुरल एक्सट्रैक्ट है पूरा, वही चीज़ें मैं लगाता हूँ। तो स्किन को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी अगर आप सनस्क्रीन लेते हो तो SPF 30 के ऊपर लो, क्यों कैसे होता है कैलकुलेशन थोड़ी समझ लो। जो 30 होता है मतलब SPF तो मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, 30 का मतलब होता है 30 मल्टीप्लाइड आप 10 कर दोगे तो 300 होता है, उसको डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो आप डिवाइड कर दोगे तो कितना मिनट हो जाता है, नियरली अबाउट 5 आवर्स हो जाता है, 5 आएगा निकल करके, 300 डिवाइडेड बाय 60 तो कितना आ जाता है आपका, हो जाता है 5 आवर्स हो जाता है। तो 5 आवर्स तक वो जो सनस्क्रीन होता है आपके जो चेहरा है या जिस स्किन को आपने लगा रखा है उस स्किन को उतने समय तक वो प्रोटेक्ट करता है। गाइस व्हाट वी गोना डू नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू हैव अ बाथ, नॉट मी, मैं कोई बात नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैंने बस मुंह हाथ धुल लिया है, दैट इज ओके फॉर मी, बट किसको नहलाना है दैट इज, तुम तो ऐसे चलोगे नहीं नहाने, चलना पड़ेगा, ये और ज्यादा दम लगा देता है, भारी हो गया। मतलब इसको नहलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि थोड़ा सा ना हफ्ते भर हो गया, 10 दिन हो गया नहाया नहीं बेचारा, मैं तो देखो मुँह हाथ धुल लिया, मैं नहीं नहा पाऊंगा अभी, मुझे टॉवल पहनना पड़ रहा है क्योंकि इसको नहलाते समय अभी इसको ऊपर लाने में बड़ा टास्क था। देखो सांस खुल गई है, इतना फिट नहीं हूँ अभी, हो जाऊँगा। देखो इसके लिए ये इसका शैम्पू है, इसको थोड़ा सा ना एलर्जी है इसको बहुत ज़्यादा स्किन की, तो इसके लिए ऐसा शैम्पू लेना पड़ता है, इसका माइक्रोफाइबर टॉवल रोल है इसके, ये आलसी कैसे हो सकता है। तो गाइस ये देखो ना चुका है गुन्नू हमारा, ये इसका टॉवल है माइक्रोफाइबर टॉवल, सही रहता है बिकॉज देखो इसका जो इसका ये है ना स्किन, बाल आप देख रहे हो कितने छोटे हैं, तो ये ठंडी में बहुत दिक्कत करता है, तो ये माइक्रोफाइबर टॉवल तो पहली बात है इसकी स्किन जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए सही रहता है, दूसरी चीज़ ये इसके पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। हाय गाइस वेलकम बैक, एक्चुअली मैं थोड़ा सा सो गया था, आराम कर रहा था, थोड़ी सी तबीयत मुझे लग रही थी इसलिए मैंने कहा थोड़ा आराम कर लूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे कोकोनट वाटर चाहिए, मुझे पानी पीना है कोकोनट का, नारियल का, एंड इसके बाद हम जा रहे हैं डेकैथलॉन
हमें जाना पड़ेगा लुलू मॉल, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है अपनी राइडिंग के लिए। ये ले आई आंटी मेरे लिए कोकोनट, बहुत ही मैंडेटरी है। तो यार मैंने ले लिया अपना कोकोनट, अब चलते हैं सीधे लुलू मॉल। तो यकायद हम लोग आ गए शहीद पथ, एकदम बगल में था पहले डेकैथलॉन, ये जो समिट बिल्डिंग है इसके जस्ट बाजू में ही था, वहाँ पर आगे अभी इन्होंने लुलू मॉल कर दिया है। कम से कम मेरे घर से 15-20 किलोमीटर पड़ जाता है, इतना दूर जाना पड़ता है। गाइस हम लोग पहुंच गए लुलू मॉल। तो गाइस जो सामान लेना था वो हमने ले लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। क्या हो गया, मेरे हाथ एकदम गंदे हो गए। शिट। सो हाय गाइस, अभी मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ, मतलब खाना भी मैंने खा लिया है। बस दो चीज़ मैं लेने गया था, एक तो ये अपना ग्लव्स लेने गया था, ये वाटर प्रूफ है पूरा ये, क्योंकि वहाँ ठंडी भी लगेगी और बारिश कभी भी हो जाएगा, हो सकता है -10 डिग्री में जाना पड़े, इसलिए इसको भी ले लिया। अपना उस बैग को कवर करने के लिए मैंने रेनकोट भी ले लिया, तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं। प्लस अभी अपनी एडिटिंग चल रही है, एडिटिंग कर रहा हूँ यार। आखिरी में यही है, थोड़ा सा वॉइस है ना, थोड़ा सा आने में समय लगेगा, जो डोज है मेडिसिन का थोड़ा हैवी है, या ट्रैवलिंग हम करेंगे तब वापस वो एनर्जी अपने आप आ जाएगी। तो तब तक आज मैं व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। होप सो आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं बढ़िया से अगले वीडियो में, तब तक के लिए लिव रिच।